बीसीजी अलग का एक मैं ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ। आइडिया ये है कि मेरे पास दो नंबर होंगे बीसीजी में, लेट से A3 A2 A1 A0, 4 बिट का एक नंबर है ये बीसीडी में, और एक दूसरा नंबर है B3 B2 B1 एंड B0। ये दो नंबर जो हैं बीसीडी के, लेट से इनको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। अच्छा, जब हम बीसीडी की बात करते हैं, बीसीडी नहीं हो सकते, मैक्सिमम 0 2 कहाँ तक जाते हैं हम, 9 तक, राइट। बीसीडी, व्हाट इज बीसीडी? बाइनरी कोडेड डेसिमल, एक्चुअली डेसिमल वैल्यूज हैं, डेसिमल नंबर है 0 से लेकर 9 तक, लेकिन उनको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करें। तो अगर मैं 0 से लेकर 9 तक सिंबल्स कंसिडर करता हूँ, नंबर्स कंसिडर करता हूँ, तो उनमें से हर एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड 4 बिट्स फॉर दैट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं एक बीसीडी एडेड बनाना चाह रहा हूँ, दिस इज लेट्स से दिस ब्लॉक विल बी आवर बीसीडी एडर, जो दो बीसीडी नंबर्स को ऐड करेगा। एक नंबर फॉर एग्जांपल ए ए है, जिसकी 4 बिट्स होंगी, A0 से लेकर A3 कह रहे हैं हम इनको, लेट्स से दिस कुड बी एनी नंबर बिटवीन 0 टू 9, सिमिलरली बी कुड बी एनी नंबर बिटवीन 0 टू 9, ठीक है। तो इसका जो सम होगा, इसकी जो आउटपुट होगी, अगर उसको भी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो आउटपुट में कितनी बिट्स में रिजल्ट लिखा जा सकता है, कितनी बिट्स में आंसर आएगा इसका? 5 में चला जाएगा ना, 5 में चला जाएगा, राइट। बीसीडी जो सम होगा इसका, दैट विल बी रिटन इन 5 बिट्स, ठीक है। 5 बिट्स में क्यों? जैसे अगर मैं दो नंबर कंसिडर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप 7 प्लस 8 करते हैं बीसीडी में, 7 प्लस 8 बाइनरी कोडेड डेसिमल, चूंकि डेसिमल में होगा तो इसका मतलब है कि मान लीजिएगा 15। इस 15 को अगर मैं लिखता हूँ बीसीडी फॉर्मेट में, 5 के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे हम 4 बिट्स में 0101, और इस 1 के लिए क्या लिखेंगे? 0001। अब 0001 मैंने लिखा, इसके साथ लेफ्ट साइड पे 3 0, इनको अगर मैं इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं दो डिजिट को ऐड कर रहा हूँ तो 3 0 हमेशा आएंगे, रिपीटेडली आएंगे, तो एक्चुअली 5 बिट का आंसर है। 5 बिट्स में हम एक 2 बीसीडी नंबर्स के जो रिजल्ट है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एडर जो हम ये ब्लॉक है, इसकी डिजाइनिंग पे हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि ये हम कैसे बना सकते हैं, इसकी एडर क्या होगी जो ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। अब अगर मैं प्लेन बाइनरी एडर की बात करता हूँ, बाइनरी एडर याद है किसी को कैसे काम करता है? बाइनरी एडिशन कैसे होती थी? अगर मैं यही दो नंबर ऊपर कंसीडर कर लेता हूँ, लेट से वी हैव 7 एंड वी हैव 8, इनको मैं जमा करना चाहता हूँ बाइनरी में। 7 के लिए क्या होगा? 0 ट्रिपल 1, 8 के लिए होगा 1 ट्रिपल 0, इन दोनों को मैं जमा करूंगा तो हमें 4 बिट्स में आंसर मिलेगा, जिसमें चारों आउटपुट बिट 1 होगी, ठीक है। दिस इज 15 इन बाइनरी, दिस इज 15 इन बाइनरी। लेकिन अगर मैं यही ऑपरेशन करता हूँ बीसीडी के अंदर, 7 प्लस 8 करता हूँ, जो इस केस में मुझे 15 मिलता है, हमें यह पता है कि 7 है अगर, इसका बीसीडी होता है 0 ट्रिपल 1, 8 का बीसीडी होता है 1 ट्रिपल 0, लेकिन इसका जो आंसर होगा बाइनरी बीसीडी 15, वो कैसे लिखा जाना चाहिए? 0101, दिस इज 5, और इस 1 के लिए सेपरेट 1 होगा यहाँ पे, इसके साथ आप 3 0 लेफ्ट पर लिख लें या उसको ना लिखें, एक ही बात है। तो ये हमारी बीसीडी में आउटपुट होनी चाहिए 5 बिट्स में, ये हमारी बाइनरी में आउटपुट है 5 बिट्स में। अब ये बाइनरी एडर तो हम लोगों ने किया है ऑलरेडी, मुझे अब बीसीडी एडर बनाना है, तो इसके डिजाइन में मुझे क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी? इसी प्रॉब्लम को मैं थोड़ा इलेबरेट करता हूँ। मेरे पास दो एग्जाम्पल है नीचे, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। लेट्स फोकस ऑन दिस करंट फॉर द मोमेंट। देखिए, अगर एग्जाम्पल 1 है, 7 प्लस 8 करता हूँ, मेरे पास ये आंसर आता है बीसीडी के अंदर, ये 15 होना चाहिए, दिस इज 1 एंड दिस इज 5, लेकिन अगर मैं यही वाला बाइनरी में देखता हूँ तो वो बनता है टेट्रा 1, ठीक है। सिमिलरली 9 प्लस 5 अगर मैं देखता हूँ, 14 है, 14 की अगर बीसीडी की हम बात करें तो ये 1 सेपरेट लिखा जाएगा, 4 सेपरेट लिखा जाएगा, इस 1 के पीछे लेफ्ट साइड पे अगेन कुछ जीरो हैं जिनको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये 14 बीसीडी में है, दिस इज इट्स बीसीडी वैल्यू, और 14 की जो बाइनरी वैल्यू होगी वो क्या बनती है, उसको अगर आप सॉल्व करके लेके आते हैं, 0101 दिस इज 5,
1001, दिस इज 9, तो इसको अगर आप जमा करते हैं तो वी विल हैव 1110 बाइनरी वैल्यू फॉर 14, ठीक है। अच्छा, इन दोनों नंबर्स में जो डिफरेंस है इसको अकोमोडेट अगर मैं करता हूँ, हमने इसको न्यूमेरिकली एवेल्युएट करने के बाद हमने ये फाइंड आउट किया कि अगर मैं इस आंसर के अंदर जो मुझे आंसर मिलता है बाइनरी सम का, जो बाइनरी सम आपको नजर आ रहा है 14 का, लेट से बाइनरी सम कहता हूँ इसको मैं, इसके अंदर अगर मैं प्लस 6 ऐड करता हूँ, प्लस 6 करता हूँ, प्लस 6 करने के मतलब 0110, अगर मैं ये ऐड कर देता हूँ तो हमें इस नंबर की बी सी डी वैल्यू मिल जाती है। लेट्स टेस्ट, लेट्स वेरीफाई दिस। 0 + 0 करता हूँ, मुझे आंसर यहाँ पे 0 मिलता है। 1 + 1 का मुझे क्या आंसर मिलेगा? 0 1 1 + 1 तो यहाँ पे 0 मिलेगा, कैरी आगे चला जाएगा। अब ये 111 है, 111 को मैं करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 1 मिला, कैरी फिर आगे चला गया। अब 11 फिर मुझे 0 मिलेगा और एक आखिर पे कैरी चला जाता है बाहर, ये वाला इधर आ जाता है, ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस इज बाइनरी वैल्यू फॉर 4, दिस इज 1, तो ये इसके इक्वल आ जाता है बी सी डी नंबर के। यू कैन सी 101 00 101 00। तो अगर मैं प्लस 6 करता हूँ, अब मैं अगर बाइनरी सम के अंदर ये ऑपरेशन करता हूँ, मैं प्लस 6 कर देता हूँ तो मुझे नंबर की बी सी डी वैल्यू मिल जाती है। सेम कुड बी वेरीफाइड फॉर दिस एज वेल। देखिए यहाँ पे 15 पड़ा हुआ है, 13 के अंदर अगर मैं 6 ऐड करता हूँ, 0110, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? 1, अगले 1 + 1 0, इधर 1 चला गया, अब 111 है, इधर 0, सॉरी 111 का मतलब है यहाँ पे 1, कैरी फिर 1 चला गया, 1 + 1 0, आखिरी जो कैरी गया वो मुझे 5 ही बिट में मिल गया। अब ये देखें, दिस इज 5 एंड दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 5। तो बाइनरी की जो सम की वैल्यू मिलती है, अगर इसके अंदर मैंने 6 ऐड किया, दिस इज +6, राइट, तो मुझे नंबर का बी सी डी वैल्यू मिल जाती है। अब इसको मैं अगर ध्यान में रखता हूँ तो कैन वी डिजाइन दिस बी सी डी एडर यूजिंग बाइनरी एडर? हमारे पास बाइनरी एडर तो अवेलेबल है ना, 4 बिट का फुल एडर बनाया हुआ हमने, जी सर। अगर मैं 4 बिट का फुल एडर यूज करता हूँ, उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक लगा के ये काम कर सकता हूँ जो जो कि बाइनरी से मुझे बी सी डी नंबर बना के देना शुरू कर दे? हम इस तरफ आ जाए करेंगे, प्लस 6 करने से हम यहाँ पे आ सकते हैं। तब अगर मेरे पास बाइनरी सम अवेलेबल हो, बाइनरी सम मेरे पास अवेलेबल हो, उसमें मैं प्लस 6 करूँ तो मुझे बी सी डी वैल्यू मिलना शुरू हो जाए। अच्छा, ये क्या प्लस 6 हर दफा ऐड करना पड़ेगा? 9 से ऊपर वालों के लिए ऐड करना पड़ेगा। हाँ, 9 से ऊपर वालों के लिए होना चाहिए ना, क्योंकि अगर नंबर 9 से छोटा हो, इसको मैं वेरीफाई करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डूइंग 3 + लेट्स से 6, 3 के लिए आप लिखोगे 0001, 6 के लिखोगे 0110, इसको आप जमा करते हो, दिस विल बी 1, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी 1, तो ये 9 जो बनता है, बी सी डी में भी वही 9 है, बी सी डी इस इन दिस केस विल बी इक्वल टू बाइनरी। तो अप टू 9, 0 से लेकर 9 तक दोनों नंबर सेम है, इसमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता, कोई एडिशन नहीं करनी पड़ती। अगर बाइनरी सम 9 से बड़ा आ जाता हो तो फिर हमें उस केस में, हमने वेरीफाई किया न्यूमेरिकली कि अगर हम उसमें प्लस 6 कर देते हैं तो हमें बाइनरी वैल्यूज से हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अपने रिजल्ट्स को बी सी डी के अंदर। दिस इज 4 बिट बाइनरी एडर, A3, A2, A1, A0, वी हैव B3, B2, B1 एंड B0, ये 2 नंबर हैं 4 बिट के, इनको मैं ऐड करता हूँ, इसका जो मुझे सम मिलेगा 5 बिट में सम आ सकता है, राइट। इन 5 बिट्स को लेट से मैं नाम दे देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ दिस इज आउटपुट के। नाम जो है ये मैं लिटरेचर से यूज कर रहा हूँ, एज इट इज आपको बुक्स में मिलेंगे तो मैं इनको वही यूज कर रहा हूँ ताकि कन्वीनियंट रहे आपके लिए, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3 चार इसकी आउटपुट है, एक इसकी आउटपुट है, 5 ही बिट्स है, जो कि अगर 4 बिट से रिजल्ट ऊपर चला जाता है तो 5 बिट्स भी चला जाएगा। अब देखें इसको अगर मैं रिलेट करता हूँ ऊपर वाली डिस्कशन के साथ, जो यहाँ तक कंपोनेंट है, सीधा सीधा अगर इसके अंदर मैंने 4 बिट का बाइनरी एडर यूज किया हुआ तो ये 4 बिट्स मुझे क्या दे रही हैं? बाइनरी सम मिल रहा है यहाँ पे मुझे, राइट सर। अच्छा, ये बाइनरी सम जो मुझे 4 बिट्स का मिल रहा है, इसके अंदर अब मैंने क्या ऐड करना है?
जब भी बाइनरी सम ग्रेटर देन 9 आ जाए तो मुझे क्या करना है? प्लस 6. इसी सम के अंदर मुझे प्लस 6 करना है. जैसे आप देखें यहाँ पे, देखिए इसको मैं एलैबोरेट करता हूँ. देखिए हमने जो ये डिस्कशन की है, लेट्स से ये 15 वाली कर लेते हैं. 15 वाली अगर आप 7 प्लस 8 करते हो 15 मिलता है आपको. 15 के अंदर मैं 6 ऐड करता हूँ तो मुझे इसका बीसीडी मिलता है. सिमिलरली 5 प्लस 9 किया आपने, दिस वाज लेट्स से 5, दिस वाज 9. 5 प्लस 9 किया आपको जो आंसर मिला यहाँ पे, दिस वाज आवर बाइनरी सम. इस बाइनरी सम के अंदर मैं 6 ऐड करूंगा, राइट? तो होगा ये कि बाइनरी सम जो यहाँ पे मुझे 4 बिट का मिला है, इसी के अंदर अब मुझे 6 ऐड करना है. मैं करता क्या हूँ, इसी 4 बिट को एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ दोबारा से, एक और मैं बाइनरी एडर को देता हूँ, ये वाली 4 आउटपुट्स, और इसके साथ मैं ऐड करवा देता हूँ 6 को. 6 में कैसे ऐड करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं दूसरे नंबर की 4 बिट्स ऐसे लगाता हूँ, लेट से दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 0, राइट? ये बाइनरी सम अगर आता है लेट से 15 हमने जो सॉल्व किया, 7 प्लस 8 किया या 9 प्लस 5 किया, 14 जब आंसर आता है, सिंस 14 इज ग्रेटर देन 9, तो उसकी आउटपुट को मैं एक और बाइनरी एडर के पास लेके आता हूँ और उसमें मैं 0110 ऐड कर देता हूँ. 0110 का मतलब है कि हम इसमें 6 ऐड करवा रहे हैं, राइट? मसला हल हो जाएगा. इसमें एक कंडीशन मिसिंग है कि अगर सम बाइनरी वाला जो हमें मिला है पहले 4 बिट एडर से, अगर वो 9 से ग्रेटर नहीं है, 9 है या 9 से लेस है, फिर तो मुझे 6 ऐड नहीं करना चाहिए. इसका मतलब है मुझे करना ये पड़ेगा कि इस लॉजिक की इन आउटपुट्स को यूज करके मुझे ये भी डिटरमिन करना है कि इधर सम इज बाइनरी सम इज ग्रेटर देन 9. अगर वो ग्रेटर देन 9 है तो फिर मुझे 6 ऐड करना है, फिर ये काम करना है, अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे 0 ऐड होना चाहिए, राइट? तो मैं एक काम ये करता हूँ, मैं इसको ऐसे करता हूँ, मैं कहता हूँ ये 110 हम डायरेक्टली नहीं ऐड कर रहे, मैं सिर्फ ये करता हूँ कि इस आउटपुट को मैं लॉजिक लेके आता हूँ यहाँ पे, इसको मैं ऐसे अटैच करता हूँ इन दो इनपुट्स के साथ, इनके साथ अटैच करके यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ परमानेंटली, इधर भी 0 कर देता हूँ. अब क्या होगा, जब ये लॉजिक सर्किटरी मुझे 1 देगी, दिस लॉजिक विल गिव अस हाई, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा. यहाँ पे जब 1 आएगा तो इसका मतलब है कि 0110 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो इसका मतलब इसके अंदर प्लस 6 हो जाएगा. अब बात सिर्फ ये रह जाती है कि ये जो लॉजिक है ये क्या काम करेगी, ये लॉजिक ऐसी होनी चाहिए जो ये डिटेक्शन कर ले, कि इसको पता लग जाए कि जबकि जो ये बाइनरी सम मिला इधर इट इज ग्रेटर देन 9 और नॉट. अगर ग्रेटर देन 9 सम आ जाता है तो फिर ये लॉजिक हमें 1 दे दे, अगर ये ग्रेटर देन नहीं आता तो फिर ये लॉजिक हमें 0 दे दे, तो उस तरह से फिर ये प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो जाएगा. अब लॉजिक कैसे होगी, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस लॉजिक में वर्किंग कैसे होगी, ये लॉजिक के अंदर सर्किट क्या होगा, क्या मतलब इसके अंदर, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसके अंदर हमने सर्किट कौन सा लगाना है जो ये काम करेगा, ठीक है? इसको मैं ऐसे कह देता हूँ, इसकी आउटपुट फॉर एग्जांपल अगर इफ दिस आउटपुट इज सी, तो सी शुड बी 1 whenever binary sum is equal is greater than 9, ठीक है? इसके अंदर ये लॉजिक होनी चाहिए. ये अगर इसकी आउटपुट को मैं सी कहता हूँ तो सी की वैल्यू 1 हो जानी चाहिए जब भी बाइनरी सम मुझे ग्रेटर देन 9 मिलता है, अदरवाइज सी की वैल्यू 0 रहनी चाहिए. अब बात आ जाती है कि ये वाला हमें कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर ग्रेटर देन 9 आया कि नहीं आया. इसको करने के लिए हमें करना ये पड़ेगा, इसका हमें जो टेबल बना के डिजाइन करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन लॉजिक इनपुट्स के थ्रू, क्योंकि कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है सारा का सारा, तो इसका मैं ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा. इसका अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाता हूँ तो मेरे पास सेट ऑफ इनपुट्स क्या होंगी, सेट ऑफ आउटपुट्स क्या होंगी, मेरे पास सेट ऑफ इनपुट्स ये हैं, बाइनरी सम है, आउटपुट्स वो हैं जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, बीसीडी नंबर, ठीक है? जो ये ब्लॉक है, सिंस दिस इज गिविंग मी द आउटपुट फॉर बीसीडी, दिस विल बी आवर ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कुछ लॉजिक बनानी पड़ेगी. इसका मैं ट्रूथ टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ. देखिए वी हैव टू पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, एक हमारे पास बाइनरी सम है, बाइनरी सम के आउटपुट्स को मैंने
नाम दिया है, दिस इज जी थ्री, दिस इज जी टू, दिस इज जी वन एंड दिस इज जी नॉट, ठीक है। पांच इनपुट्स ये हमारे पास बाइनरी सम की, और इन अ सिमिलर वे हमारे पास जो आउटपुट है वी व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, इसके जो बीसीडी सम होगा, जो हमारी ऑब्जेक्टिव है कि हम उसको अचीव करना चाहते हैं, उसको नाम लेट्स से मैं दे देता हूँ, कि लेट्स से दिस इज सी, दिस इज एस थ्री, एस टू, एस वन एंड एस जीरो, ठीक है। अच्छा, डिजाइन करते हुए क्योंकि पांच इनपुट वेरिएबल्स हैं, आप यहाँ पे अगर देखें तो के के थ्री से लेके जी थ्री, जी टू, जी वन, जी नॉट, ये इनपुट वेरिएबल्स हैं हमारे पास, पांच इनपुट वेरिएबल हैं। इसके अगर मैं हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को लिस्ट डाउन करना शुरू करता हूँ तो मेरे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनने चाहिए पांच वेरिएबल्स में, कितने बनते हैं? टू की पावर फाइव होता है, राइट? यस सर, 32, 32 होना चाहिए, राइट? मैक्सिमम 32 होना चाहिए। अच्छा, हम देखते हैं इसको फिल आउट करना शुरू करते हैं। लेट्स से अगर बाइनरी सम में पहला केस में लेता हूँ, लेट्स से सारे के सारे जीरो हैं, अगर बाइनरी सम जीरो मिलता है, पहला एडर हमें जीरो देता है यहाँ पे, फोर बिट का बाइनरी एडर, तो इसका बीसीडी क्या होना चाहिए? इसमें छह ऐड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? नहीं करेंगे ना, सिंपल वही रहेगा, राइट? सेम रहेगा, राइट? सेम रहेगा। उसको अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका मतलब है कि ये बी सी डी और बाइनरी सम यहाँ पे पहले केस में सेम होंगे। ये कब तक सेम रहेंगे? ये नाइन तक सेम रहेंगे, गुड। ये पहले दोनों केस हो गए, दिस वाज जीरो एंड दिस वाज लेट्स से वन। चलते 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 जब हम नाइन तक पहुंचते हैं, नाइन को भी मैं लिख देता हूँ। नाइन के लिए क्या होगा, अगर बी सी डी सम, अगर बाइनरी सम हमें नाइन मिलता है, जीरो वन डबल जीरो वन, तो उसका बी सी डी भी क्या होगा, जीरो वन डबल जीरो वन, मतलब बोथ आर द सेम, ठीक है। यहाँ तक सेम हो गया। बी सी डी इज इक्वल टू बाइनरी, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें, नाइन के बाद अब कंटिन्यू कर सकते हैं हम अगले पैटर्न्स को। इसमें से रैंडमली मैं चलता चलता मैं कहता हूँ कि 15 कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बाइनरी सम जब मुझे 15 मिलता है, उसकी बाइनरी वैल्यू क्या होगी, 0 1 1 1 1, राइट? 15 ऐसे लिखा जाता है, इसका बीसीडी क्या होना चाहिए? 1 0 1 0 1, 5 का मैं लिख लूंगा 0 1 0 1, इस 1 को मैं सेपरेटली लिख सकता हूँ 0001, इस 0001 को आप बेशक इग्नोर कर दें, इसकी हमें ऐसा जरूरत नहीं है, तो इसको मैं प्लेस करता हूँ, तो व्हाट वी विल बी राइटिंग इट हियर कि यहाँ पे 1 आएगा और इसके साथ 0101 आ जाएगा, दिस इज 15, राइट? मतलब बाइनरी वैल्यू थी, उसके साथ उसकी बीसीडी आ गई। इन अ सिमिलर वे 15 के बाद फॉर एग्जांपल अगर आप 16 लिखते हैं, 16 की बाइनरी क्या होती है, 1 इधर आता है यहाँ पे, दिस इज 16, इसका बीसीडी क्या होगा, दिस विल बी, लेट्स से दिस इज 16, 1 का एज इट इज आ जाएगा, 6 क्या आएगा, 0 डबल 1 0, राइट? दिस आउटपुट विल बी 1 0 डबल 1 0। चलते चलते इस तरह से आप टेबल को फिल आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम कहां तक जाना है हमने? 32 टेबल कहां तक फिल हो, 32 तक होना चाहिए, कहां तक होना चाहिए सर? 19 तक मैक्सिमम सम के लिए हम सिंगल बिट बना, 19 तक क्यों, 9, ओके गुड, 19 तक होना चाहिए, इट्स करेक्ट, बट व्हाई टिल 19, उससे ऊपर क्यों नहीं सर? क्योंकि हम अभी सिंगल डिजिट का वो बीसीडी सम सिंगल डिजिट हम कर रहे हैं, सिंगल डिजिट कर रहे हैं, अगर मेरे पास कैरी इन 1 भी आ जाता है किसी, अगर मल्टीपल डिजिट हम ऐड कर रहे हैं बीसीडी में, अगर कैरी इन 1 भी हो जाता है तो 9 + 9 = 18 प्लस कैरी इन 1, तो मैक्सिमम जो नंबर आ सकता है बीसीडी सम के अंदर वो 0 से लेकर 19 तक आ सकता है, ठीक है, 0 से लेकर 19, मैक्सिमम नंबर 19 आ सकता है इसका आंसर। तो इसका मतलब है कि ट्रुथ टेबल में जो आखिरी एंट्री होगी वो मैक्सिमम होगी, वो 19 होगी। 19 के करस्पोंडिंग अगर मैं इसको फिल आउट करता हूं यहां पे, लेट्स से दिस इज 19, तो 19 के करस्पोंडिंग क्या लिखा जाएगा, दिस विल बी 1, दिस विल बी 0 0 डबल 1, दिस इज बाइनरी वैल्यू फॉर 19,
इसकी कोरस्पॉन्डिंग बीसीडी क्या होगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे वन जीरो जीरो वन। तो ये टेबल आप इस तरह से फिल आउट कर सकते हैं। अब ये कुछ ऐसे केसेज हैं, नाइन के बाद आने वाले जो केसेज हैं, दस से लेकर उन्नीस तक, इन सब में जब जब मैंने बीसीडी बनाया है तो न्यूमेरिकली स्पीकिंग हमने उसमें छ ऐड किया है। बाइनरी का सिक्स मैं ऐड करता जाता हूँ तो मुझे उसकी कोरस्पॉन्डिंग बीसीडी वैल्यू मिलती जाती है, ठीक है। इसको हमने दो डिफरेंट एग्जाम्पल देख के वेरीफाई भी किया था। अच्छा, ये टेबल, इसका मतलब ट्रुथ टेबल आप रिप्रोड्यूस कर लेंगे। सारे का सारा मैंने किया नहीं है क्योंकि अवेलेबल है इंटरनेट पे, बुक्स में, नोट्स में मैंने पेस्ट किया, अभी आप वहाँ से बाकी कॉम्बिनेशन को भी देख सकते हैं। आपको मतलब रिप्रोड्यूस करना आता है, इसको देख के आपको समझ आ जाएगी कि अगर बीसीडी सम अवेलेबल हो हमारे पास, बाइनरी सम अगर अवेलेबल हो तो उस बाइनरी सम से मैं बीसीडी सम कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। ज़्यादा क्लियर है? जी सर, जी सर। चले कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब मैं इधर आ जाता हूँ, ये टेबल आपको मिल जाएगा बुक से भी। ये टेबल में से कुछ एंट्रीज को हमने रैंडमली रिप्रोड्यूस किया, बाकी को हमने कह दिया कि हम आप समझ आ गई तो हम लोग कर लेंगे। इसकी जो चार जो जो रोज है, ये टोटल जो पांच इनपुट्स हैं जिनको हम कह रहे हैं कि लेट्स से दिस इनपुट इज के, दिस इज जी थ्री जी टू जी वन एंड जी जीरो, ये हमारे सेट ऑफ इनपुट्स हैं, ये हमारे सेट ऑफ आउटपुट्स हैं जिनको हमने सी कहा हुआ है, एस थ्री एस टू एस वन और एस नॉट। अच्छा, इसमें अगर मैं केयरफुली देखता हूँ तो देर आर अ फ्यू केसेस जीरो से लेकर नाइन तक ऐसे केस हैं जिसके अंदर यू कैन सी के बी सी डी नंबर वही आता है जो बेसिकली बाइनरी का नंबर है, राइट। इसको देखें ऐसे ही है, वेरीफाई होता है? जी सर, सेम है ना, दोनों सेम है। अच्छा, उसके बाद केसेस आते आते हैं जिसमें जब बाइनरी सम की वैल्यू नाइन से ग्रेटर होती है, फॉर एग्जाम्पल दस आती है, ग्यारह आती है, बारह आती है, या सवा सौ, तो उसमें फिर हमें बीसीडी निकालने के लिए छः ऐड करना पड़ता है। तो इसको अगर मैं ट्रूथ टेबल को ऑब्जर्व करते हुए देखता हूँ तो ये लास्ट वाली कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जिनको मैं सर्कल करता हूँ, लेट्स से इस वाले पॉइंटर के साथ, ये लास्ट वाली कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जिसके अंदर हमने छः ऐड किया है। और इसको अगर आप बाइनरी में ऑब्जर्व करते हैं तो यू कैन सी कि इन सब केसेस में सी की वैल्यू वन है, इससे ऊपर सब केसेस में सी की वैल्यू जीरो है, राइट। ऐसे ही है जी सर। यस सर। अच्छा, इस मतलब इसकी अगर हमें समझ आ गया अगर, तो यहाँ से मैं रूल बना सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि यार जब भी सी की वैल्यू वन आती है ना बाइनरी में, तो मुझे बाइनरी सम के अंदर, ये जो बाइनरी सम ये वाला पड़ा हुआ लेफ्ट साइड पे, इसके अंदर मुझे हर दफा छ ऐड कर देना। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं अगर ऊपर जाऊं, जिसमें मैं कह रहा था कि यार ये जो लॉजिक है इस लॉजिक के अंदर सर्किट क्या बनेगा, तो उस केस में मैं कहता हूँ कि सर्किट जो है वो सर्किट इन इनपुट्स को ऐसे मैनिपुलेट करता है कि एक आउटपुट सी जनरेट करता है, सी की वैल्यू जब भी वन होती है तो यहाँ पे हम इस केस में क्या कर देते हैं, छः ऐड कर देंगे, अदरवाइज इस केस में हम जीरो ऐड कर देते हैं। अब बात ये आ जाती है कि सी वाला जो आउटपुट कॉलम है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, मतलब सी के करस्पॉन्डिंग लॉजिक गेट कौन से लगेंगे, सर्किट कौन सा लगेगा। अब बात ये आ जाती है, सी के एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं आप डायरेक्टली, क्या तरीका है, कैसे निकाल सकते हैं, बना के निकाल सकते हैं, के मैप बनाना पड़ेगा, के मैप कितने वेरिएबल का आइए, ये सर बहुत बड़ा बन जाएगा फिर। फाइव वेरिएबल के मैप चाहिए हमें इसके लिए, पांच इनपुट वेरिएबल है ना, के जी थ्री जैसे पहले हमने किया था ना कि मिला के एंड इनपुट्स में और हमने वेरिफिकेशन वेट की वैल्यू मालूम की थी, वैसे ही करना है इसमें भी। एक काम मतलब मैं ये आप जो कह रहे हो कि हम अगर के मैप के चक्कर में पड़ते हैं तो पांच वेरिएबल के मैप करना पड़ेगा और वो मुश्किल है उस, और चूंकि हमने उसमें को पढ़ा भी नहीं तो उस पर मैं डिस्कशन करना भी नहीं चाह रहा, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं, मेरे समझ देखिएगा, मैं बता यहाँ पे लिखता हूँ साथ साथ मुझे बताइएगा इफ आई एम डूइंग इट राइट। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जब भी के की वैल्यू वन है तो सी की वैल्यू वन आती है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं टेबल में, देखें के जब भी वन है तो सी वन आ जाता है, लास्ट वाली चार एंट्रीज देखें, मतलब सी के सारे वंस को मैं अकोमोडेट करूंगा लेकिन वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप
इसमें से एक तो सी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है के के ऊपर, के अगर वन है तो आउटपुट सी वन आ जाती है, लेकिन जब के इक्वल टू जीरो है तो आउटपुट फिर भी वन है, इसका मतलब है कि कुछ वैल्यूज और वेरिएबल्स पे भी डिपेंड कर रही है। तो मैंने यहाँ पे किया ये के प्लस लिख लिया, के प्लस का मतलब है कि मैं बाकी अब एंट्री देखूंगा कि बाकी कौन सी एंट्रीज हैं जो सी को वन कर रही हैं। दूसरा जो पेयर है यहाँ पे वो दिया हुआ है, ये आपको देखा देखा होगा देख रहे होंगे कि ब्लू में हमने चार रोज को इनसर्कल किया हुआ है। इन चार रोज में जो दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल जो है वो जी थ्री और जी टू है, जी थ्री और जी टू दोनों जब वन होंगे तो भी सी की वैल्यू वन आ जाती है। ये देखिए इसको तो मैं ऐसे ऐसे लिख दूं तो ये ठीक होगा, मतलब k प्लस जी थ्री जी टू, इसका मतलब है कि जब जी थ्री जी टू दोनों साइमल्टेनियसली वन होंगे या k की वैल्यू वन होगी तो फिर भी आउटपुट वन हो जाएगी। तो ये नेक्स्ट चार रोज को भी कवर कर लेता है पूरा ट्रुथ टेबल में। आप देख लें ये एक ही दफा कॉम्बिनेशन आएगा जिसमें जी थ्री और जी टू दोनों की वैल्यू वन है, ऐसे ही वेरीफाई करें इसको, इसके अलावा नहीं है, मतलब इसको भी हम बीच में शामिल कर सकते हैं, जब जी थ्री जी टू दोनों की वैल्यू वन होगी तो फिर भी आउटपुट वन होती है। और फाइनली लास्ट पे जो कंपोनेंट आ जाते हैं वो आ जाता है ये वाले दो वन, इन दो वन के लिए जो रूल बना हुआ है यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा होगा दो सर्कल हमने येलो में किए हुए हैं, इसका मतलब है कि जब जी थ्री और जी टू ये दोनों की वैल्यू वन होगी, जी थ्री और जी वन, जब जी थ्री और जी वन जब इन दोनों की वैल्यू वन होगी तो फिर भी आउटपुट सी में वन चली जाती है। अब ये भी देख लें ये भी कॉम्बिनेशन एक ही दफा आया हुआ है, हाँ बीच में ये वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे दोबारा अपीयर हो रहा है लेकिन ये ऑलरेडी कवर हो गया उसमें जी थ्री और जी टू वाले में, राइट, ये ऑलरेडी इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आखिरी सी की जो एंट्रीज थी जिसके अंदर 10 जिसमें इनपुट बाइनरी सम 10 से लेकर 19 तक है, इन सबको हमने कवर कर लिया। तो मैं जस्ट सी पे चेक लगा लेता हूँ कि जब भी सी की वैल्यू वन होगी तो हमने उसमें 6 ऐड करवा देना, जब सी की वैल्यू 0 है तो हम फिर हमें उसमें कुछ ऐड करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये लॉजिक होगी, ये डिटरमिन करेगा कि सम की वैल्यू कब ग्रेटर देन 9 आई है। इसकी कोरस्पॉन्डिंग आप सर्किट बड़े आराम से लगा सकते हैं, इसकी कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं सर्किट लगाता हूँ यहाँ पे, लेट्स से ये हमारे पास है, इसी के साथ ही मैं शामिल करता हूँ, ऊपर वाले को हम डिस्कशन को नहीं ओवरराइड करते। देखिए ये जो पांच चार बिट्स मुझे यहाँ से मिलती हैं, इन चार बिट्स को मैं डायरेक्टली एक टू इधर लेके आता हूँ, दिस इज जी नॉट, दिस इज जी वन, दिस इज जी टू एंड दिस जी थ्री, और एक आउटपुट हमारे पास के वाली। ठीक है, ऑलराइट जी, अब यहाँ पे मुझे लॉजिक क्या चाहिए, एक मुझे के ऐड करना है, दूसरा मुझे क्या करना है जी थ्री के साथ जी टू को लॉजिकली एंड कर दिया, और क्या चाहिए हमें जी थ्री के साथ, जी नेक्स्ट कौन सा नंबर चाहिए, जी थ्री के साथ मुझे जी वन चाहिए, इसको मैंने एंड कर लिया। अब ये तीन इनपुट्स बन गए हैं, ये तीन इनपुट्स को मैं लॉजिकली और कर देता हूँ और इस आउटपुट को हम कह देते हैं, लेट्स से दिस आउटपुट इज सी, सी के एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज इक्वल टू के प्लस जी थ्री जी टू प्लस जी थ्री जी वन, तो इन तीनों टर्म्स में से कोई एक टर्म भी वन देती है तो आउटपुट सी की वन हो जाती है। इसका मतलब है कि ट्रूथ टेबल के अंदर हम लास्ट वाली इन एंट्रीज की बात कर रहे हैं कि इन तीनों में से कोई एक इनपुट वन तो आउटपुट सी वन, जब सी आउटपुट वन हो जाती है इसका मतलब है कि सम जो है वो ग्रेटर देन 9 हो गया। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, इसी सी को हम यहाँ पर लेके आते हैं और इधर हम ऐड करवा देते हैं डायरेक्टली। अब चूंकि मुझे 6 बनाना है, 6 बनाने के लिए मुझे 4 बिट का अगर मैं नंबर देखूंगा, 4 बिट के नंबर में 2 बिट 0 होंगी, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, और दरमियान में जो आउटपुट आ रही है वो बेसिकली आउटपुट आ रही है सी में से, कि जब सी की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे ये दोनों एंट्रीज 1 हो जाएंगी, तो दिस विल एड 6 टू द सम। और अगर सी की वैल्यू 0 होती है किसी दूसरे केस के अंदर, इफ दिस 1 विल बी 0, तो इसका मतलब होगा यहाँ पे 0 0 0 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यही वाला जो सी था इसी को ही हम एक्सटेंड करके लेके आते हैं और इसको हम शामिल कर लेते हैं 4 बिट के आउटपुट के तौर पे, ये बी सी डी सम है हमारा, उसमें जो 5वीं बिट है हमारे आंसर की वो बेसिकली उसके साथ भी यहाँ पे शामिल हो जाती है। ठीक है, और तो ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हो जाता है 4 बिट के बी सी एडर का। इसमें किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो कहीं पे?
जी सर आगे चलें। क्लियर है? वेरीफाई कर लेते हैं। इफ यू से जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ 6 प्लस करते हैं 13 का मतलब है कि जो बीसीडी सम हमें मिलेगा वो क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे एक 1 मिलना चाहिए और इस 3 के लिए 0 0 1 मिलना चाहिए, ठीक है। ये हमारा आउटपुट एक्सपेक्टेड है बीसीडी में, लेकिन इसको हमने किया कैसे, हमने इसको किया पहले बाइनरी में, मैं इसको 0 1 1 0 चाहिए, 0 1 1 बाइनरी के अंदर, बाइनरी में ऐड किया, मेरे पास क्या मिला, दिस विल बी 1 1 + 1, दिस विल बी 0, कैरी इधर 1 1 1, दिस विल बी 1 1 1, और ये कैरी 1 इधर, डबल 1 0 1 मुझे मिला आउटपुट, ठीक है। गया नहीं है कि ये कैरी यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी। अच्छा इसके कोरस्पॉन्डिंग देखिए सी मुझे क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे तो जीरो आता है ना, के जीरो है, ये ड्रैग के जीरो का नीचे वाला गेट क्या देगा, जी थ्री और जी टू दोनों 1, दूसरा गेट मुझे 1 दे रहा है यहाँ पे, राइट जी सर, जी सर विच इज जी थ्री एंड जी वन जीरो, तीसरा गेट मुझे फिर 0 दे रहा है, तो यहाँ पे 0, इसका मतलब है जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें सी की वैल्यू क्या मिलेगी, सी विल बी इक्वल टू 1, राइट, 0 1 0 पे मुझे सी की वैल्यू 1 मिलेगी। अब जब सी की वैल्यू 1 मिलेगी तो इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसी से लिख देता हूँ 0 1 1 0, इसका मतलब यहाँ पे इस केस में क्या आ रहा है, 6 ऐड हो जाएगा। ये जब दोबारा एडो को मिला है 0 1 1 0, ये 0 1 1 0 इसमें ऐड होगा प्रीवियस बाइनरी सम के अंदर विच वाज 1 1 0 1, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये यही वाली 4 आउटपुट्स में नीचे भी लेके आ रहा हूँ, अब दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, विच इज बाइनरी वैल्यू फॉर 13, बाइनरी वैल्यू फॉर 13 के अंदर हमने बाइनरी वैल्यू फॉर 6 ऐड की, इस दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो वी गेट इज 1 1 1 + 1 0, कैरी आगे चला गया 1 + 1 0, फिर कैरी आगे चला गया वो वाला कैरी इधर आ जाता है, तो हमें आउटपुट पे ये आंसर मिलता है 0 0 1 1। इसका मतलब जो बाउंड्री एडर पीसीडी जो सम मिलेगा हमें आउटपुट के ऊपर, दिस विल बी दिस बोथ बिट्स विल बी 0 0 1 1, ये 5वीं बिट है, ये बेसिकली उधर से मिल रही है आउटपुट सी वाले से, राइट। बीसीडी एडर का डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा जो कि एक सिंगल डिजिट के बीसीडी एडर को ऐड कर लेता है, इस तरह के मल्टीपल ब्लॉक्स लगा के हम बीसीडी नंबर्स की एडिशन परफॉर्म करवा सकते हैं।